अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स बैठक में खुश आमदी। तो भाई आज का मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, दोनों अनडिस्प्यूटेड थी इस टूर्नामेंट में अब तक, लेकिन आज इंडिया दोबारा बाजी ले गया है। और भाई मैं तो ये कहूंगा कि टू समराइज इट ऑल, भाई शुरुआत होती है अच्छी नहीं होती न्यूजीलैंड की, शुरुआत दो विकेटें जल्दी गिर जाती है पहले पावर प्ले में, उसके बाद आकर जो है मैच को दोबारा से रोकते हैं न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर में, और इन दी एंड रोते पड़ते वो पहुंच जाते हैं। जब टारगेट लग रहा होता है 300 से ऊपर जाएगा तो उनके जो बैन स्ट्रेंथ है भाई, बैन स्ट्रेंथ उनकी जो है ना वो इतनी पावरफुल है कि वो 5-5 विकेटे ले रही है। शमी आप जो है हार्दिक पांड्या नहीं तो शमी आके कर ले रहे हैं, और उन्होंने 5 विकेटे लेके उनको रिस्ट्रिक्ट किया 275 पे। और जब न्यूजीलैंड को लग रहा था कि वो गेम में वापस आ रहे हैं और कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम अगेन द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ रन चेजेस विराट कोहली आते हैं और मैच का सफाया कर देते हैं। भाई क्या कहेंगे आज के मैच के बारे में? मैं एक बात जरूर ऐड करूंगा कि भाई आज मुझे वाहिद मैच नजर आया जिसमें बैट और बॉल, टीम्स की बात नहीं कर रहा मैं, बैट और बॉल में प्रॉपर मुकाबला हुआ है। बैटिंग को भी चांस मिला है, बॉलिंग को भी चांस मिला है। मेरे ख्याल में पिच तो कोई इतनी खास डिफरेंट नहीं थी, लेकिन जो टीम्स हैं अगर वो कंपेटिटिव हों तो इस तरह के मैचेस देखने को मिलते हैं। अली भाई हाँ यार सही बात है, वो टीम दोनों सही थी और इसीलिए जो है मैच भी बेहतर हुआ। मतलब ये पहला मैच था जो मुझे लगा थोड़ा गया है 50 ओवर तक, दोनों मैच 50 ओवर तक गए हैं और वो इंडिया ने अच्छा कमबैक मारा, विकेटें गिर गई थी उनकी वो, लेकिन वो जो भी विकेट गिरी उसमें पिच का या बॉलिंग का कोई खास कमाल था नहीं। वो रोहित शर्मा भी इनसाइड एज बोल्ड हो गए, गेल बाउंड्री पे कैच आउट हो गए थे, फिलिप्स का भी कैच उसने वो तीन अचानक पता नहीं क्यों लगान क्रिकेट हो गई थी, तीन आ गए थे मुर्गी पकड़ते हुए उसमें। खैर वो अकलमंद था तो उसने रोहित शर्मा ने बोल लिया था, वैसे उम्मीद कर नहीं रहा था कि वो आवाज़ लगाएगा, लेकिन उसने आवाज़ लगा के वो कैच ले लिया था। बाकी वो कमी थी, जाहिर है विलियमसन की भी कमी थी, विलियमसन होता तो रिजल्ट शायद कुछ और होता आपका। स्कोर ऊपर जाता कोई 300 से तो ऊपर जाते ही लाजमी सी बात है। और जो है अपना बॉलिंग में भी सही था यार, उसने शमी ने, आप वो सही कह रहे हो तुम बेंच स्ट्रेंथ, शमी जो है उसने आते ही परफॉर्म कर दिया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है इंडिया के लिए कि वो आया और आते ही पहले मैच में उसने 5 विकेट ले लिया। और वो विकेट, वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड की विकेटें इंडिया ने दी हैं लेकिन शमी ने ली हैं विकेटें, वो उसने बोल्ड मारे, कैच किया स्लो, ये वो इन स्विंग आउट स्विंग वो सब गेम किया और उसको विकेटें मिली हैं। जुबैर क्या कहेंगे? यार वही स्टार्ट बहुत अच्छा लिया इंडिया ने, सही है, फिर उसके बाद संभला न्यूजीलैंड और फिर संभलने के बाद उसने एक रिदम पकड़ लिया था। और वही वाली बात है कि शमी जो है वो आप ये चेक करोगे यार उनके पास बैकअप कितना रखा हुआ है कि शमी को उन्होंने आज खिलाया और वो 5 विकेट के ले गया और न्यूजीलैंड को बेल कर दिया उसने। आपकी हंसी के पीछे पाकिस्तान हमने पता है। ये वो है तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है छुपा रहे हो। सही है, तो भाई हमें जो ऐसा एक दौर में हमारे साथ होता था कि हमारे फास्ट बॉलर की लाइन लगी हुई होती थी, आमिर आसिफ गए तो जुनैद खान आ जाता था, तो यार शमी ने वही वाला काम करा है और उसने पूरी 5 विकेटें ली। और वही अली भाई वाली बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई कि यार उसने उन्होंने दी नहीं है, इसने बाकायदा ली है, चांसेस बनाए हैं। और न्यूजीलैंड यार वही बात है कि 30 रन शॉर्ट था वही विलियमसन की वजह से, और मेरे हिसाब से अगर ये 305-310 होता है स्कोर तो ये फंस जाता आज मैच। और इवन 30-40 रन जो शॉर्ट था वो विलियमसन को अगर साइड पे भी रखो तो ये वाली बैटिंग भी बना रही थी, तभी मैन ऑफ द मैच शमी को दिया गया, क्योंकि उसकी वजह से ही 30-40 रन कम हुए। और फिर उसके बाद फिर वो इंडिया की जब बैटिंग आई है तो भाई वो इन्होंने विकेट थ्रो कर दी थी शुरू में, दो स्काई के रनआउट के बाद चांस बना यार, स्काई के रनआउट के बाद ना एक ना तनाव हो गया था थोड़ा सा, मैच फंस गया था। फिर केएल राहुल पहले वो जो है, मुझे आज एक कमी महसूस हुई ऐश सोडी की, अगर सेंटर के साथ वो लगा हुआ होता तो वो शायद अभी रिजल्ट कुछ और होता। चले आपको स्पिन की बातें करने का बड़ा शौक हो रहा है तो हम जल्दी से चलते हैं कल चेन्नई वर्सेस पाकिस्तान के प्रीव्यू के ऊपर के भाई कल क्या होने जा रहा है। मैं तो एक बात कहूंगा कि भाई हम बार बार कहते हैं कि वी आर रिलाइंग ऑन और कैप्टन बाबर आजम, उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो भाई ये बोलो ही नहीं भाई बाबर आजम, हमें आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है, कल आप खेलो या ना खेलो खैर हो गई, आप चिल करके सो आज सुबह उठ पाओ डायरेक्ट पेपर की तैयारी करके। अगर इन्होंने कल स्पिन को अच्छा नहीं खेला तो कल का मैच भी बढ़ जाएगा, सही है ना। अगर ये कल स्पिन को अच्छा नहीं खेला और अगर इन्होंने अच्छी स्पिन नहीं करवाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि ये गुरबाज वगैरह जो है ना कल इतने भारी आएंगे, कल ये कोहली वोहली सब बन के आए हुए होंगे ये लोग, और ये हम लोगों को ऐसा घुसेड़ेंगे कहीं साइड में कि आपकी सोच है। तो भाई कल उम्मीद करता हूँ कि भाई के कल ये लोग स्पिन को अच्छा खेलें और स्पिन को अच्छी स्पिन करवाएं भी। अली भाई कौन कराएगा हमारी तरफ से स्पिन?
सवाल कुदरत का निजाम उसके अलावा तो कोई नहीं है भाई, कुछ नहीं हो सकता। अफगानिस्तान से मैच कल बहुत टफ होगा आपका, आसान नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान पीछे मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ रहा है, इंग्लैंड को मारता हुआ रहा है। वो पिछला मैच वो थोड़ा सा वो घबरी हो गए थे, लेकिन वो इंग्लैंड से जो है वो अच्छा जीत के आ रहे हैं, बैटिंग उनकी अच्छी। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार शामी बोल रहा हूँ, राशिद और उसकी मुजीब की फॉर्म वापस आ गई है। आप ये देखो गा गा के गौरिया बन गए इस वर्ल्ड कप में, वरना शुरू में तो ऐसा पिट रहे थे वो लोग कि आप ना पूछो, लेकिन अभी आप देखो वो तो हमें पीटने को तैयार है। हमारे खिलाफ तो वो चलते ही चलते हैं। हाँ ना भाई, हमारे तो बाबर आजम तो उन्हीं का शिकार होते हैं, राशिद का बिल्कुल वो खेल ही नहीं पाते। अब वही वाली यार देखो, आपने पकड़ लिया कि उनको जो है लेग साइड पे टांगों पे पकड़ के रखो, वो कैच दे देते हैं आपको, तो क्या वो लोग नहीं रीड करते होंगे बाबर आजम को? यार अब तो ये क्लिप भी आना शुरू हो गए हैं, उस दिन मैं आप लोगों की बात कर रहा था, वो डिकोड हो गया, आज मैंने सुबह देखा था, वो क्लिप भी आया हुआ था उसमें इस वर्ल्ड कप के और पीछे अफगानिस्तान वाले सीरीज एशिया कप वाले मैचेस की उन्होंने दिखाए हुए थे क्लिप बाबर आजम के, वो 70% मैचेस में वो यहीं आउट हो रहे हैं। बिल्कुल वही तो यार, सर्किल के अंदर वो फिल्टर होता है अगर लेग साइड पे, वरना वो कैच देते हैं, वरना वो वहां मिड विकेट पे भी कैचेस दिए हैं। एशिया कप नहीं सॉरी वर्ल्ड कप जो हुआ था T20 का, उसमें हर्षदीप ने आउट किया था एलबी, वो भी यही था, वो बॉल इधर आ रही थी, वो एलबी नहीं होते तो वो सामने ही कैच देते, तो वो वही आउट हुए जा रहे हैं। चलिए उसके अलावा मैं ये कहूंगा कि भाई इट विल बी स्पिन वर्सेस स्पिन, क्योंकि रैंक टर्नर्स होते हैं चेन्नई के अंदर हमको पता है, तो कल जो है पाकिस्तान की तरफ से कौन स्पिन कर रहा है? हमारे नवाज तो लेफ्ट आर्म नो स्पिन बॉलर हैं, और शेडी जो है हमारे जो अभी बेंच पे हैं वो तो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर कहलाते हैं, तो हमारी तरफ से स्पिन करेगा कौन? उसामा मीर का भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है। चाचा वो करेंगे, चाचा जो है ना वो उनकी बॉल घूमे ना घूमे वो बॉल अच्छी करके दे रहे हैं। वो लास्ट मैच में भी उन्होंने खुद 35-37 रन दिए हुए थे, 8 ओवर में बिल्कुल सही दे रहा है, हालांकि वो शुरू में उनको चौके वोके पड़ गए थे, मैंने कहा लो चाचा भाई हमारे क्या है इनका मारेंगे अभी पकड़ के, लेकिन वो बच गए थे। वो पाकिस्तान के मैक्सवेल बने हुए बेचारे, वो सब कर रहे हैं। आप देखो इस वर्ल्ड कप में वो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं जो कि जो है ना जिनके पास बैटिंग की जो है ना लालच में आके एक स्पिनर कम लेकर वो स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे, तो भाई वो ऑस्ट्रेलिया जो आपको इतना नीचे दिख रहा है उसकी वजह यही है। आज वो भी देख लो ना, वो इंडिया ने अपना शार्दुल इसी चक्कर में खिलाया हुआ था कि वो बैटिंग कर लेता थोड़ा आधा तीतर आधा बटेर, वो आज बैठा है प्रॉपर एक बॉलर आया उसने अपना काम करके दिखा दिया। तो आप या तो बैट्समैन खिलाओ या बॉलर खिलाओ, और ऑलराउंडर खिला रहे हो तो वो पांड्या टाइप चीज खिलाओ। अगर आप वो नहीं कर पा रहे जैसे ऑलराउंडर में और दूसरे पे पांड्या है दूसरा जडेजा है या और दूसरे लोग हैं वहाँ पे, आज का मैच भी जडेजा ने निकाल दिया। आप देखें कितनी रविंद्र वहाँ पे है न्यूजीलैंड का रविंद्र, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कोई ऐसा प्लेयर होना। इंडिया के पास दो हैं जडेजा पांड्या जो कि अपने 10 ओवर भी कराए प्रॉपर, और उसके अलावा बैटिंग में भी अगर जरूरत ऊपर पड़ी ऊपर भी खेल सकते हैं नीचे पड़ी। यार जडेजा की आप हिस्ट्री पांड्या की उठा के देख लो यार, वो धोनी के साथ भी खड़े हुए थे ये लोग सेमीफाइनल में, अब वो धोनी रन आउट गलत हो गया उसके बाद जडेजा चले गए। चले फाइनल प्रेडिक्शन पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान, पाकिस्तान जीत जाएगा। एक मेंटली इनको वो है कि यार हम तो इनसे जीत ही जाते हैं, तो उस चक्कर में जीत ही जाएंगे इनसे। पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान विदाउट नसीम शाह बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया आपने नहीं नहीं इंशाल्लाह पाकिस्तान मलिक भी नहीं है इंशाल्लाह, इमाद वसीम भी नहीं है और कितने गिना है तुम्हें इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन इतना आसानी से नहीं जीत सकेगा जैसा हम सोच रहे ना। तो भाई लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे पास स्पिन करने वाले कोई है नहीं, तो दुआएं आप करते रहें क्योंकि इफ्तिखार चचा पे हम रिलाय कर रहे हैं, बेस्ट स्पिनर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ जो हमको नजर आ रहा है। दूसरा सीन ये है कि भाई कल इट विल बी वर्सेस अफगानिस्तान, तो वो तो सर पे खून सवार होते हैं हमारे खिलाफ, उनको तो आप लोग वो अपने मुल्क में भी बमबारियां कर रहे हैं मार रहे हैं कत्लो खारस और यहां पे भी आके जितनी भी स्माइल्स और आपने जो एस्थेटिक मूवमेंट्स देखे हैं इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान में, वैसा कल आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। अभी तो अफगानिस्तान वो गुस्सा भी निकालेगा जो हमने यहां से तंदूर वाले वापस भेजा, वो गुस्सा भी तो निकलेगा, वो भी निकालेगा भाई, वो बदले भी निकलेंगे। दुआएं करते रहे, गायब हो गए बेचारे सारे, दुआएं करते रहे, तस्बीह और जो ऑक्सीजन मास्क ये सब लेकर बैठे क्योंकि कल धमाल होने वाला है चेन्नई के अंदर पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। We hope के कल पाकिस्तान का एक नया आगाज होगा इस वर्ल्ड कप में, दोबारा से प्रोग्रेस की तरफ जाते रहेंगे हम लोग, और इन दी एंड सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह।